हेलो गाइस, मेरा नाम है अयूब और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है अयूब एडिट्स। गाइस, आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम कुछ इस टाइप की फ़ोटो को कुछ इस टाइप से एडिटिंग करने वाले हैं और ये फ़ोटो खासकर सनसेट एडिटिंग के ऊपर होने वाला है। मैंने सनसेट फ़ोटो आप किस तरह से शूट कर सकते हैं इसकी एक पूरी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली है कि आप शाम के टाइम सनसेट फ़ोटो शूट किस तरह कर सकते हैं, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस वीडियो को भी जा कर के देख लेना, आपको बहुत अच्छा सीख मिलेगा वहाँ से किस तरह से आप बहुत अच्छे फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं और कुछ ऐसे पोज आप वहाँ से सीख सकते हैं। तो गाइस, अभी हम बात करते हैं इस फोटो की एडिटिंग की। तो एडिटिंग के लिए इस फोटो को मैं जो है लाइटरूम एप्लीकेशन से एडिट किया हूँ और गाइस आप देख सकते हैं जो मैंने क्लिक की थी फोटो वो बहुत ही बेहतरीन करके क्लिक हुई हुई है, बिल्कुल परफेक्ट क्लिक है गाइस। पर लेकिन एडिटिंग के बाद ये फोटो कुछ और ही अलग लेवल पर आ गई है। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी हमारी फोटो ये लग रही है। तो गाइस, इसी टाइप के हम एडिटिंग सीखने वाले हैं। तो इस एडिटिंग को सीखने के लिए गाइस हम कर लेते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन। उससे पहले गाइस मैं आपको बता दूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना गाइस, क्योंकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और दोस्तों से भी करा दो, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है गाइस। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बिना किसी टाइम बर्बाद करें। तो गाइस, सिंपली मैंने अपनी फ़ोटो को जो है लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर ओपन कर लिया है। इस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, उसके बाद हम इसकी जो कलर एडजस्टमेंट करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पर कलर के अंदर, और कलर में आने के बाद हम जाएंगे डायरेक्ट यहाँ ऊपर मिक्स, और मिक्स में आने के बाद हम सबसे पहले अपनी फ़ोटो में देख लेते हैं हमारी फ़ोटो में कौन कौन से कलर हैं। तो सबसे पहले हमारी फ़ोटो में आता है बैकग्राउंड में येल्लो कलर, तो हम येल्लो कलर ले लेते हैं। हमें इसमें थोड़ी सनसेट एडिटिंग करनी है तो हम इसमें थोड़ी ऑरेंज टोन रखेंगे, तो उसके लिए हम इस येलो कलर की यूज़ को कर देंगे माइनस, एंड देन इतने रख लेते हैं -80। देन सेचुरेशन को हल्का प्लस करके देख लेते हैं एक बार। हाँ गाइस, हल्का प्लस कर लेते हैं सेचुरेशन को, यहाँ पर +40 के आसपास हम इसको जो रखेंगे। देन उसके बाद हमारे पास एक ग्रीन की यूज़ को भी हम यहाँ पर माइनस करने वाले हैं, इसको कर देंगे -100। एंड सेचुरेशन को हम एक बार ही चेक कर लेंगे, तो सेचुरेशन से तो इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस पर हम भी फिर भी इसको प्लस कर देते हैं, +50 के आसपास हम इसको रख देते हैं। उसके बाद गाइस, हमारे जो मॉडल ने कपड़े पहने हुए हैं वो पहने हुए हैं हमारे ब्लू कलर के, तो हम सबसे पहले आ जाते हैं ब्लू कलर पर, और ब्लू कलर की यूज़ को हम एक बार चेक करते हैं किधर बढ़िया लग रही है। माइनस करते हैं तो फोटो बहुत अलग हो जा रही है, तो हम इसको जो है हल्का प्लस करेंगे और सेचुरेशन को इसकी कर देंगे हल्का माइनस। उसके बाद हम आते हैं स्काई ब्लू कलर पर, और इसकी सेचुरेशन को हम कर देते हैं -100, और यूज़ को हम कर देते हैं यहाँ पर थोड़ी प्लस। इससे जो है हमारे मॉडल के कपड़े जो है हल्के मैच आ जाएंगे, और फोटो में कपड़ों में चमक डालने के लिए हम यहाँ ल्यूमिनेंस को इसके हल्का प्लस कर देंगे गाइस। ये थोड़े हम एक बार यहाँ इस कलर में वापस जाते हैं और यहाँ से इसकी यूज़ को थोड़ा कम कर लेते हैं, ज़्यादा हो रही है, और ल्यूमिनेंस को थोड़ा यहाँ पर प्लस कर लेते हैं गाइस, बहुत बढ़िया। उसके बाद गाइस हम आ जाते हैं अपनी स्किन की तरफ, तो स्किन के लिए हम कर लेंगे यहाँ पर ऑरेंज, और इसकी ल्यूमिनेंस को हम करेंगे यहाँ पर प्लस, बहुत बढ़िया, और यूज़ को हल्का माइनस करेंगे, थोड़ी हमें रेड टोन चाहिए, एंड सेचुरेशन को हल्का प्लस कर देंगे, बहुत बढ़िया गाइस। उसके बाद गाइस हम ले लेते हैं रेड कलर, और रेड कलर की सेचुरेशन को कर देते हैं +22। एंड देन यहाँ से आते हैं लास्ट में, हमारे पास जो पिंक कलर है इसकी यूज़ को हम एक बार देख लेते हैं, तो इसकी यूज़ से तो फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो इसकी सेचुरेशन को हम बस हल्की प्लस कर देंगे +97, बहुत बढ़िया। उसके बाद गाइस हम कर देंगे यहाँ से इसको डन। अब गाइस हम आते हैं, अब जैसे आप डन करेंगे आपके सामने ये टूल आएगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले वाइब्रेंस इसकी प्लस कर लेनी है, प्लस ज़्यादा रखेंगे हम थोड़ी, तो इसमें जो है थोड़ी डार्कनेस हमारी फ़ोटो में आएगी, और हमें जो है सनसेट एडिटिंग करनी है तो हम इसके टेम्परेचर को भी थोड़ा हम यहाँ पर हल्का माइनस कर लेते हैं, इससे एक ऑरेंज टोन आइए निकल गया, और टिंट को हल्का सा प्लस कर देते हैं, बहुत बढ़िया गाइस। उसके बाद गाइस यहाँ सेचुरेशन को हल्का प्लस कर माइनस कर लेते हैं, सॉरी, बहुत बढ़िया। अब गाइस हम करते हैं इसके लाइट एडजस्टमेंट, तो लाइट एडजस्टमेंट के लिए हम आ जाते हैं सबसे पहले लाइट में, और लाइट में हम नीचे से शुरुआत करते हैं, तो नीचे पहले हमारा आता है यहाँ पर ब्लैक, तो ब्लैक को हम एक बार यहाँ पर चेक करते हैं किधर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो ब्लैक को हम थोड़ा कम रखेंगे, इससे हमारी फ़ोटो में एक डार्क इफेक्ट आएगा, और वाइट को हम चेक करते हैं, वाइट को प्लस कर लेंगे, और शेडोज़ को तो हम थोड़ा प्लस ही रखेंगे यहाँ पर, इससे हमारी फ़ोटो और निखर के आएगी,
शेडोज़ जो है हमारी फ़ोटो में बहुत ही कम है इसमें, तो शेडोज़ को हम प्लस कर लेंगे एंड हाइलाइट्स को यहाँ पर हम माइनस करेंगे। बहुत बढ़िया गाइज। उसके बाद गाइज आता है हमारे पास कॉन्ट्रास्ट, तो कॉन्ट्रास्ट को तो हम प्लस ही करने वाले हैं क्योंकि हमें थोड़ी रेड टोन चाहिए, और एक्सपोजर को हम यहाँ पर हल्का सा प्लस कर लेते हैं। बहुत बढ़िया गाइज। देन गाइज उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पर क्लेरिटी के अंदर, और इसकी क्लेरिटी को हम यहाँ पर कर लेते हैं प्लस 40 के आसपास में इसको जो रखूँगा गाइज। बहुत बढ़िया। उसके बाद गाइज मैं इसके बिजनेट को कर दूंगा यहाँ पर थोड़ा डाउन। बहुत बढ़िया। और मिडल पॉइंट को मैं चेक कर लेता हूँ, इधर ठीक रहेगा, और फेदर को फुल कर देंगे, और हाइलाइट्स को हम थोड़ा प्लस रखेंगे, और राउंडनेस को भी यहाँ पर एक बार हम चेक करेंगे, तो राउंडनेस को भी हम प्लस 100 कर देंगे। इससे जो हमारा जो फोकस होगा वो ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ेगा। उसके बाद गाइज हम जाते हैं शार्पनिंग में, क्योंकि हमारी फ़ोटो में भी जो है नॉइज़ बहुत सारी है, आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने जाहिर सी बात है मैंने फ़ोटो जो है मोबाइल से क्लिक की है, और बहुत शाम अंधेरे के टाइम क्लिक किया, तो फोटो में नॉइज़ हैं, तो हम इन नॉइज़ को ख़त्म कर लेते हैं। तो हम यहाँ से आप जैसे शार्पनिंग में आएंगे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा नॉइज़ रिडक्शन, नॉइज़ रिडक्शन को हम कर देंगे यहाँ पर प्लस ज़्यादा ही करने वाले हैं, क्योंकि नॉइज़ हमारी फ़ोटो में बहुत ज़्यादा है। ये देख सकते हैं आप गाइस किस तरह से इतने प्यारे तरीके से नॉइज़ यहाँ से सारी निकल गई हैं। प्लस 52 हम इसको तकरीबन रखेंगे। उसके बाद वापस से फ़ोटो कर देते हैं। अब गाइस इसकी थोड़ी शार्पनिंग कर लेते हैं, क्योंकि फ़ोटो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई है, तो फोटो में शार्पनेस जो है ख़त्म हो गई है, तो शार्पनिंग बढ़ाएंगे, और डिटेलिंग की भी हम थोड़ी इसकी निकाल लेंगे। देन मास्किंग तो हम थोड़ा प्लस कर लेते हैं प्लस 8 के आसपास, और कॉन्ट्रास्ट भी प्लस करेंगे गाइस। यहाँ से इसकी डिटेल भी निकालेंगे थोड़ी। कलर नॉइज़ रिडक्शन को भी हम बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारी फ़ोटो में नॉइज़ ज़्यादा है, और डिटेल को भी बढ़ाएंगे, एंड स्मूथनेस को भी यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा प्लस ही रखेंगे गाइस। बहुत बढ़िया। इतना गाइस अभी आप देख सकते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको हमारी फ़ोटो कितनी बढ़िया तरीके से स्मूथ हो गई। ये आप देख सकते हैं पहले कितनी नॉइज़ थी, और अभी कितनी प्यारी से स्मूथ फ़ोटो हो गई है गाइस। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने थोड़ी अपने मॉडल के फेस पर जो है चमक डालनी है, थोड़ी ब्राइट करना अपने मॉडल के फेस को। तो हम आ जाते हैं सेलेक्टेड टूल्स पर। आप स्नैपसीड एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं, उसमें आपको बहुत ईजिली से फ़ोटो स्मूथ भी हो जाएगी आपकी, और आप वहाँ से भी कर सकते हैं, पर मैं भी इसको यहाँ से कर लेता हूँ। और यहाँ आप ले लेते हैं सर्कल, और अपने फेस पर इस तरह से टैप करते हैं, और टैप करने के बाद इसके साइज़ को थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप इतना, और यहाँ लाइट में जाना, और लाइट में जाने के बाद इसके एक्सपोजर को कर देना प्लस। बहुत बढ़िया गाइस। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए आप फोटो में कैसे डार्कनेस थी, अभी एक ब्राइट इफेक्ट आ रहा है। इसी तरह से थोड़ा हम अपने हैंड और लेग्स पर भी इसका यूज़ करने वाले हैं, तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर। बहुत बढ़िया गाइस, हमने अपनी सारी एडजस्टमेंट जो है फ़ोटो में कर ली है, और फोटो आप देख सकते हैं किस तरह से निखर के आई है। अभी हम थोड़ा सा इसमें काम कर लेते हैं, क्लेरिटी में जाते हैं, और थोड़ी हम जो है स्प्लिट टोन का यूज़ करेंगे। स्प्लिट टोन में आने के बाद हम यहाँ से जो है इसके हाइलाइट्स को लेंगे, और हाइलाइट्स को लेने के बाद हम ले आएंगे यहाँ ब्लू और स्काई ब्लू के बीच में, और इसकी यूज़ को हल्का सा प्लस कर देंगे गाइस, प्लस 7। बहुत बढ़िया गाइस। एंड हम लेंगे शेडो, तो शेडो को हम रखेंगे ग्रीन और येलो के बीच, और इसको कर देंगे हम थोड़ा प्लस, ये प्लस इसको रख देंगे हम 12 के आसपास गाइस, इसको थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। और अब इसको कर लेते हैं हम थोड़ा बैलेंस, तो बैलेंस के लिए हम देख लेते हैं किधर फोटो ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो हम इसको माइनस ही करेंगे थोड़ा बैलेंस के लिए, तो माइनस कर लेते हैं, माइनस में अच्छी फ़ोटो लग रही है ज़्यादा हमारी। बहुत बढ़िया गाइस। उसके बाद कर देते हैं यहाँ से इसको डन। अब आप देख सकते हैं गाइस हमारी फ़ोटो कितने बढ़िया तरीके से पूरी एडिट हो गई है। तो गाइस कुछ इसी टाइप की एडिटिंग आज मैंने आपको सिखानी थी, तो आशा करता हूँ गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो उसको प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना गाइस। उसके बाद गाइस आप अपनी फ़ोटो को कर सकते हैं यहाँ से सेव। तो मिलते हैं गाइस न्यू वीडियो में बहुत जल्दी।